इंदौर कलेक्टर कार्यालय में आज जनसुनवाई आयोजित हुई। जनसुनवाई में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और समस्याओं को प्रशासनिक अधिकारियों के सामने रखा। इनमें अधिकांश जमीन पर कब्जा, इलाज में लापरवाही और आपसी विवाद की शिकायतें थीं। जनसुनवाई में खुड़ेल थाना क्षेत्र में मौजूद जमीन पर कब्जे का मामला सामने आया है। पीड़ित कमलेश दोलानी ने बताया कि खुड़ेल में उनकी 2 एकड़ कृषि भूमि है और पास में एक अन्य व्यक्ति की भी जमीन है। दोनों की जमीन पर जाने के लिए एक ही रास्ता है, लेकिन इस रास्ते को वर्ग विशेष के लोगों के द्वारा बंद कर दिया गया है। जब इस पर आपत्ति ली गई तो वे सभी विवाद करने लगे। जब खुड़ेल थाने की पुलिस को इसकी शिकायत की गई तो उन्होंने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया और केवल समझाइश के बाद मामला रफा दफा कर दिया। लेकिन खेत के रास्ते में बने गेट पर ताला लगा होने की वजह से अब कमलेश अपने खेत तक नहीं जा पा रहा है। साथ ही कमलेश ने ये भी आरोप लगाया कि पड़ोस की जमीन के मालिक तोशिप के द्वारा उनकी जमीन को औने पौने दाम बेचने को लेकर दबाव भी बनाया जा रहा है। कमलेश की शिकायत को अधिकारियों ने गंभीरता से लेते हुए स्थानीय पटवारी को इसकी जांच के आदेश दिए। ऐसा काजी पलास या तहसील खुड़ेल में 2 बीघा जमीन है और मेरे 38 साल से विगत 37-38 साल से हमारे नाम ही रजिस्ट्री करी हुई है और हमारे पास में जो एक जमीन मालिक है अब्दुल नजार, जो अभी एक्सपायर हो गए, उनके बेटे हैं तौसीफ जी, उनका और हमारी ज़मीन का आने जाने का रास्ता कॉमन है 15 फुट। वो गेट पे ताला लगा दिया है, आने जाने नहीं देते हैं और वहाँ जाओ तो अभद्र भाषा, गाली गलौज, मारने पीटने की बातें करते हैं और बाहर 6-8 आदमी बैठा दिए हैं। और खुड़ेल थाने गए, खुड़ेल थाने में शिकायत करने के बाद भी कुछ नहीं कर पाए। खुड़ेल में खुड़े उसके बाद 100 नंबर डायल किया, वो लोग भी कुछ नहीं कर पाए। तहसील गए, तहसील में भी कोई मदद नहीं की जा रही है। तो आज हमने कलेक्टर साहब के जनसुनवाई में लिखित में आवेदन दिया है और साहब ने आश्वासन दिया है कि इसकी त्वरित और तुरंत कार्रवाई की जाएगी। इसी आशा में बैठे भाई साहब, 38 साल हो गए, आज तक ज़मीन को अपने में किसी से कोई बात करी, ना बेचा है, ना कुछ कागज़ हमारे नाम है, सब कंप्लीट है, उसके बाद भी हमारे को इस तरह डराया धमकाया जा रहा है। वहीं अधिकारियों ने मामले में तय समय सीमा में इसके निराकरण के भी आदेश दिए हैं। इंदौर से राजीव टाइम्स की रिपोर्ट।